হেরিটেজ ভিলেজে শুনলাম নাকি খুব ভালো ওখানে হ্যান্ডিক্রাফট ওড়িশা রিলেটেড হ্যান্ডিক্রাফট আছে সো সেখানে আমরা যাচ্ছি রেডি হয়ে গেছি লুকটা তোমাদের পরে শেয়ার করছি বিকজ অলরেডি ট্রাভেলার এসে অনেকক্ষণ ওয়েট করছে অ্যান্ড আমাদেরকে বকাবকি করা হচ্ছে বিকজ অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা লেট এই যে আমরা সবাই বসে পড়েছি ফুল টিম সবাই হাত নেড়ে দাও ছোট মা সামনে একজন আছে দর্শক হ্যাঁ এটা আবার তুমি এ করে দেবে সুন্দর পাঠাচ্ছো আমরা এখন যাচ্ছি কোথায় এটা অন রিকোয়েস্ট অফ দ্য উইমেন আমরা যাচ্ছি শুধু দেখার জন্য মিউজিয়ামের মতন ব্যাপার সুতরাং এখানে কেউ কেনাকাটা করতে গেলে কিন্তু পানিসেবল অপেন আমরা এসছি রঘুরাজপুরে এখানে হেরিটেজ ভিলেজ তো এখানে নাকি প্রত্যেক 160 হাউসেস আছে যেখানে প্রত্যেকটা বাড়ির মধ্যেই লোকে হ্যান্ডিক্রাফটস করে লাইক পেইন্টিংস এন্ড অল তো আমরা সেটা এখন চেক আউট করছি মাঝখানে রাস্তাতে অনেক টেম্পলস আছে ইটস কাইন্ড অফ নিউ মানে এরকম জেনারেলি দেখিনি আমরা कलर भी हम खुद हाथ से बनाते हैं ये मटेरियल कैसे होता है ना तीन पुराना सूता साड़ी इमिल का बीज और व्हाइट स्टोन तीनों को व्हाइट चौक तीनों को मिला के मटेरियल को तो हम हाथ से प्रोसेस कर रहा हूँ मैडम कैसे होता है एक मिनट ठीक है दिलकोल को वसुदेव जमुना नदी में कृष्ण भगवान को लेके जा रहा है कितना टाइम लगा है ये बनाने में सर ये एक बनाने में एक आर्टिस्ट 6 दिन लग जाता है आप आर्टिस्ट है ना आप हाँ हम लोग हम भी बना के दिखाएंगे इधर ये तो बात है ना हम तो ये देखिए ये 3 ओल्ड कॉटन क्लॉथ 3 पुराना सूता साड़ी इसमें खोलिए ये देखिए 3 पुराना सूता साड़ी जो हिंदी का बीच है ना इमली का बीज को हम लोग क्या करेंगे ना पहले छेचेंगे फिर
पानी में भिजाएंगे, सुबह उनके सिर में बैठेंगे, बैठने के बाद जो पेस्ट रहता है पेस्ट को बॉइल करना पड़ता है, बॉइल करने के बाद वो गम होता है, देखिए ये आठा होता है, ये इडली का गम। देखिए जो व्हाइट चॉक पानी में उसमें भिजाने के बाद ये ऐसे होता है व्हाइट चॉक, ये वाला। ये एक लेयर साड़ी हम छत का ऊपर पकड़ेंगे, ये गम लगाएंगे, गम लगाएंगे फिर दूसरी लेयर पकाएंगे, गम लगाएंगे फिर दूसरी लेयर, एक दिन छोड़ देंगे धूप में सूखने के लिए, सूखने के बाद इसे उठाएंगे तो आप देखा कि उसको ये व्हाइट चॉक और इमली का गम दोनों मिक्स होता है, ये पेस्ट करेंगे, दोनों तरफ पेस्ट होता है, पेस्ट होने के बाद दो दिन लगेगा सूखने के लिए, उसका ऊपर जो हॉट फूड के डस्ट लग जाता है ऐसे डब्बा में ग्लास के फोल्ड में घिसाई करके हम हटा देते हो, ये गीला कपड़ से पानी लगा के एक कपड़ में पॉलिश हो जाए, पॉलिश करने के बाद ये सोलापुर में 40 इंच बड़ा मटेरियल आ जाएगा, फिर उसको साइज मुताबिक काट के कौन सा साइज में पेंटिंग करेंगे, साइज मुताबिक काट के ये पहले पेंसिल से स्केच होता है, फिर जो कलर होता है ये नेचुरल वेजिटेबल कलर्स होता है स्टोन कलर, ये वेजिटेबल कलर होता है पांच कलर को मिला मिला के 120 कलर बना देंगे। ये मैडम पांच कलर स्टोन कलर क्या होता है दिखाएंगे आपको, ये देखिए मैडम ये जो लाल कलर होता है आपको, और हिंगड़ो नाम का एक स्टोन ये जो लाल कलर होता है, ये मैडम हरितम नाम का एक स्टोन जो येलो कलर होता है, ये वाला कलर, ये मैडम इंडिको जो ब्लू होता है, और ये बर्निंग लैम्प सूट्स जो भूषा काली होता है, भगवान का हमें दीप लगाते हैं ना उसी टाइम एक मिट्टी का सारा हम डाल देते हैं जो हवा उड़ के जाते हैं पीछे लग जाते हैं, ये काजल को हम कलेक्शन करके ये कलर होता है ब्लैक कलर, ये होता है सी सेल समुद्र का शंख जो व्हाइट कलर होता है, ये मैडम क्या होता है ना छेचेंगे पानी में भिजाएंगे बॉयल होता है फिर बॉयल करके छानेंगे, ये इससे पूरा सूखेगा, सूखने का बाद ये कलर पे एक गम मिलाता हूँ, ये गम क्या होता है ना ओड अपोल गॉड वेल, ये ट्रिप काट के ये खीर निकलता है, ये जब खीर पानी में पकाएंगे ये मेल्ट हो जाएगा, ये हम मैडम कुछ कलर लेते हूँ, लेने के बाद कुछ गम पकाएंगे उसके ऊपर पानी पकाएंगे, जब गम कलर दोनों मिक्स होता है पूरा आधा घंटा घिसे ही होता है, होने के बाद कुछ पानी डाल देते हैं, ये इसी प्रोसेस में ये सारे पांच कलर निकल आते हैं, पांच कलर को मिला मिला के 120 कलर बना देंगे, ये स्टोन मैडम बता दो एक मिनट ये जो इंडिको पानी में पकाएंगे तो ये मेल्ट होगा, ये इसी प्रोसेस होता है, ये सी सेल बॉयल होता है, और ये भूसा काली होता है, एक बना के देखा।